पायल, सलाद लेके नहीं आई? अभी लाई। अरे तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? पायल, अरे तुम ले आओ। इसमें क्या परेशानी वाली बात है? इतने सालों से तो मैं ही बनाकर परोसती आ रही हूँ, अब कैसी परेशानी हो गई? वैसे भी इसके ना कमर में बहुत दर्द है, सुबह से बहुत परेशान है। रुक, मैं सैलेड लेकर आती हूँ। तुमने बताया नहीं तुम्हारी कमर में दर्द? अरे मामूली सा दर्द है, वैसे भी माँ ने तेल मालिश कर दी थी तो ये अब लो। ठीक है। बता देती ना तो मैं दवा लेते आता। अरे दर्द होगा क्यों नहीं, पूरा दिन किचन में लगी रहती है लड़की, मुझे तो पैर भी रखने नहीं देती है। भला हो इस मुए दर्द का, इस बहाने मुझे किचन में जाके खाना बनाने का मौका तो मिला। अच्छा माँ, आप मुझे बोल देती, मैं ऑर्डर कर देता। आप खामखा तकलीफ उठा रही हैं। हाँ हाँ हाँ, बड़ा आया तू बाहर से खाना ऑर्डर करने वाला। अरे घर का खाना घर का ही होता है, वो मिलावटी तेल वाला गंदा खाना, उससे तो ये खाना लाख गुना अच्छा है। ये बात तो सही बोली आपने। पायल लो बेटा और खाओ, तुम सैलेड भी खाओ। हाँ जी माँ। अच्छे से खाना हो। अरे कहाँ जा रही है? वो प्लेट्स लेने माँ। वो सब मैं कर लूंगी, तू जा कमरे में आराम कर। नहीं, मैंने कहा ना मैं कर लूंगी सब, तू जा। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए था? नहीं माँ। पायल, हाँ दूध लेती आना। हाँ, मैं अंदर कमरे में जा रहा हूँ। अभी तो आपने भर के खाना खाया है, दूध की जगह बची है। जा तू उसके लिए दूध लेकर जा, तब तक मैं प्लेट्स क्लीन करती हूँ। The Bluetooth device is ready to pair. तुम दूध नहीं लाई? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे कमर में दर्द है, और सुना नहीं माँ ने क्या कहा, आराम करने के लिए। और मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे दूध मंगवाने का मतलब क्या है। अच्छा तुम्हें पता है, डॉक्टर कहते हैं कि जब कमर में दर्द हो तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, हैं? सुनो ना, हैं? मुझे है ना अच्छे से पता है कि आप एक्सरसाइज की नहीं साइज की बात कर रहे हैं, और जो आप कल रात बहुत कर चुके हैं, तो अभी हटो और मुझे सोने दो। क्या यार पायल, देखना कितना अच्छा माहौल बनाया। सुबह से ना रात का इंतजार कर रहा था, अब तू आए हैं? थोड़ी देर करते ना, हैं? आराम से, धीरे धीरे। नहीं जी, हटो ना, सोने दो ना। अच्छा बेटा, काम कैसे चल रहा है? सब ठीक चल रहा है माँ। इसीलिए लेट आते हो रोज ऑफिस से, हम? वो शादी के चक्कर में ना बहुत वर्कलोड बढ़ गया है। शादी भी तो जरूरी थी ना। अरे पहल बेटा, तुम क्यों लेकर आई चाय? अब कमर का दर्द कैसा है? अब ठीक है माँ जी। अच्छा सुनिए ना। हाँ बोलो। ऑफिस से आने से पहले ना विप्लव को एक बार कॉल कर लीजिएगा। विप्लव को क्यों? अरे आप भूल गए, मैंने कहा था ना आपसे कि विप्लव आने वाला है आज। विप्लव आज ही आने वाला है? हाँ माँ, बताया तो था इसने, लेकिन मैं भूल गया। ठीक है, मैं उसको कॉल कर लूँगा। अच्छा तुम कब तक निकलोगी ऑफिस से? आज मैं ना लेट हो जाऊंगी। ठीक है, तो ऑफिस से जब निकलो ना मुझे मैसेज कर देना। हाँ जी, मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा, ठीक है? अच्छा माँ, आपका जो दवाई है ना मैंने फ्रिज के ऊपर रखा है, याद से ले लीजिएगा, ठीक है?
याद से तो मैं तब लूंगी ना जब तुम मुझे भूलने दोगी। दवाई लेने का वक्त होता है तो तुम्हारा कॉल आ जाता है। दवाई ले लेना। अच्छा माँ मैं निकलती हूँ अभी। संभाल के जाना बेटा। हाँ जी। अच्छा सुनो मैं भी निकल रहा हूँ तो मैं ड्रॉप कर दूंगा ठीक है। अच्छा माँ जी जाओ बेटा संभाल के जाना। शाम को मिलते हैं। चलिए बाय बाय। बाय बाय। हेलो कौन? इस पायल देयर? नहीं पायल तो ऑफिस गई है लेकिन आप कौन? आई एम हर ब्रदर। उसने बताया हुआ कि मैं आने वाला हूँ। हाँ आप अंदर आओ ना प्लीज। या थैंक यू। वैसे यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू। पायल ने बताया तो था तुम्हारे बारे में लेकिन तुम तो शाम को आने वाले थे ना? हाँ लेकिन यू नो द ट्रैफिक सिचुएशन सो मैंने सोचा कि सुबह जल्दी निकल जाओ घर से। फिर तुम इतनी दूर से ड्राइव करके आए हो तो उसमें क्या हुआ? हमारे देश में तो लोग शहर से शहर में तुरंत ट्रैवल कर लेते हैं और इतना भी दूर नहीं है। इट्स जस्ट 4 आवर्स ड्राइव एंड आई लव ड्राइविंग। दैट्स नाइस। कैन आई जस्ट चेक दैट? हाँ श्योर। वैसे तुम कुछ लोगे चाय कॉफी? नना आई एम फाइन। वैसे दीदी कब तक आ जाएंगी? अब तुम्हारी दीदी शाम तक आ जाएंगी। अब तुम ना मुंह हाथ धो लो। आई एम श्योर ट्रैवलिंग की वजह से थक गए होगे। नो नो आई एम फाइन। वैसे यू मस्ट बी सुप्रिया राइट? हाँ मैं सुप्रिया हूँ और रिश्ते में मैं तुम्हारी दीदी की सास लगती हूँ। डोंट टेल मी बिकॉज़ मम्मा ने मुझे बताया था इस चीज के बारे में एंड फ्रॉम नोवेयर यू लुक लाइक अ सास। I mean, you actually look gorgeous. Anyways, thanks for the compliment. लेकिन तुम शादी में क्यों नहीं आए? I was in UK at that time, so मेरे थोड़ा, you know, visa का थोड़ा problem हो गया था, so I couldn't come back. So you live out of India? Yeah, since 5 years. Where is the washroom? I desperately want to take a shower. It's so hot out there. Supriya, Supriya. Huh? Where is the washroom? Washroom na? यहाँ से straight. तुम जाओ मैं towel लेकर आती हूँ. All right. Thank you, Supriya. आ गए तुम लोग? ये लड़का भी ना पता नहीं कहाँ रहता है। कम से कम फोन तो उठा लेना चाहिए था ना आपका उसे। अरे तुम बेकार ही परेशान हो रही हो। छोटा बच्चा थोड़ी है, इधर उधर घूमने निकल गया होगा, आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? कम से कम फोन उठा के बोल देता। विप्लव तू कब आया? बदमाश, इन्फॉर्म नहीं कर सकता था? पता है ये कितने परेशान हो रहे थे? हाँ ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा था तू। सॉरी आई एम रियली सॉरी सिस। देखो अगर बता देता तो सरप्राइज नहीं दे पाता और फिर ये थोड़ी देर पहले वाला शॉकिंग एक्सप्रेशन भी नहीं देख पाता। सॉरी जीज। जीज क्या? जीज आए तेरे पैर छू? पैर क्यों, मैं तो गले मिलूंगा। यू ओके विद अ हग राइट? या इट्स फाइन नो इशू। माँ आपने भी नहीं बताया ये आ गया। अरे सुप्रिया तो बताने वाली थी, मैंने ही मना कर दिया बताने के लिए। सुप्रिया ये क्या है? विप्लव सारी तमीज तुम विदेश में छोड़ आए हो क्या? बड़ी है ना तुमसे, नाम लेकर कौन बुलाता है?
ओ कम ऑन सिस, अब मैं इनको मम्मी या आंटी कह के तो नहीं बुलाऊंगा। आई मीन लुक एट हर, शी डजंट इवन लुक लाइक दैट। एंड वन मोर थिंग, शी इज एन अमेजिंग वुमन। दिन का खाना बहुत अच्छा बनाया था इन्होंने। एनीवेज इट्स ओके पायल, विप्लव वो क्या कहते हैं, जस्ट चिल बेबी। ले बेटा चाय पी ले। माँ आप चाय ला रही हैं, पायल कहाँ है? अरे वो किचन में कुछ बना रही है बेटा। पायल जल्दी करो बाबा, देर हो रही है। बस 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 आज देर हो गई। तुम तो जल्दी उठी थी, देर कैसे हो गई? वो विप्लव आया है ना, उसके लिए गाजर का हलवा बना रही थी, उसको बहुत पसंद है। अच्छा माँ विप्लव उठ जाए तो उसको बता देना कि उसके लिए गाजर का हलवा बना रखा है। और डॉक्टर ने आपको मीठा बिल्कुल मना किया है, तो आपके लिए नहीं है। हाँ थोड़ा सा तो मैं खाऊंगी, बस थोड़ा। और ये विप्लव है ना बहुत देर तक सोता है, इतना देर तक सोना नहीं चाहिए, उठने दो उसको, आज देख रही हूँ। अफो पायल, वैसे भी वो यहाँ छुट्टियां मनाने आया है, सोने दो ना उसे। सही बात है, शी इज राइट, इतनी देर तक कौन सोता है। वैसे गुड मॉर्निंग सुप्रिया। हेलो दीदी। हे जीजाजी। हे मॉर्निंग। तू नहीं सुधरेगा ना, सुन गाजर का हलवा रखा है किचन में, खा लेना। गाजर का हलवा? दीदी यू आर अ स्वीट हार्ट। और माँ को सख्त मना है, डॉक्टर ने मना किया है, तो माँ को ज्यादा गाजर का हलवा नहीं देना। डोंट वरी दीदी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। अच्छा माँ चलती हूँ, हाँ बहुत लेट हो गई हूँ आज। बाय माँ। बाय। थैंक यू। बाय माँ। बाय माँ। बाय। अच्छा पायल, तुम्हारी लीव सैंक्शन हो गई? हाँ जी। कब जा रही हो बेटा? जी माँ 4 दिन बाद। पैकिंग वैकिंग हो गई तुम्हारी? माँ आज है ना बहुत थक गई हूँ, तो मैं सोच रही थी कि नॉट वरी पायल, आई विल हेल्प यू आउट। विप्लव हाउज यू? आई होप माँ ने तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। जी सुप्रिया के साथ 2-3 दिन कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। But I must tell you all, Supriya is an amazing company. I enjoyed a lot. Good. अच्छा देखो यार, हम लोग तो तुम्हें ज़्यादा वक्त दे नहीं पाए। But मैं ये कहूँगा कि जब तुम पायल को लेकर वापस आओगे, तो we will go somewhere for picnic. Great idea. Done. Okay. बहुत अच्छा। अरे पायल बेटा इतना जल्दी हो गया? हाँ माँ वो क्या है ना मुझे ऑफिस जल्दी जाना है तो जल्दी सोना है। अरे तुम दोनों ही? हाँ माँ दोनों को ऑफिस जाना है ना बहुत जल्दी, वो काम बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं आराम करो।
अच्छा पायल, मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम दूध लेते आना। गुड नाइट। अरे विप्लव, अंदर आओ ना। सो सुप्रिया, एंजॉयिंग द मैगजीन? हाँ। तो अभी आपका हो गया तो मैं मैगजीन लेके जाऊं? अभी थोड़ा बाकी है। तुम्हारे पास और है क्या? नो एक्चुअली अभी तो यही लाया था मैं, लेकिन सुप्रिया दीदी को मत बताना। अरे मैं क्यों बताऊंगी, मैं तो खुद ही देख रही हूँ ना। अरे तुम खड़े क्यों, बैठो ना। वैसे कैन आई आस्क यू समथिंग सुप्रिया? हाँ पूछो। तुम्हें भी ये सब मैगजीन देखना पसंद है? हाँ, ऐसी मैगजीन्स देखना किसे अच्छा नहीं लगता। और फिर तुम ही कहते हो ना कि उम्र बड़ी है तो क्या हुआ, अरमान तो जवां है। बस मैं इन्हें खरीदने बाहर नहीं जा पाती हूँ, इसलिए मेरे पास ऐसी कोई मैगजीन नहीं है। वैसे इफ यू वांट तो तुम मोबाइल में भी देख सकती हो। हाँ आई नो, अब देखा है मैंने मोबाइल पर जो मजा ऐसे देखने में है ना, वो मोबाइल पर देखने में नहीं है। अच्छा तू बता, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? Come on, सुप्रिया, गर्लफ्रेंड तो आती जाती रहती है। थी लेकिन ब्रेकअप हो गया। वैसे कैन आई आस्क यू समथिंग, अगर तुम बुरा ना मानो तो? हाँ पूछो। मुझे पता है तुम रात में क्या करती हो। क्या 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 करती हूँ मैं रात को? हाँ Come on, सुप्रिया, आई एम नॉट अ किड। दीदी और जीजाजी के कमरे से आवाजें आती हैं और उस आवाज को सुनकर तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हो। ये मैंने छुप छुप कर देखा है। कब कब देखती हो तुम ये सब? रोज देखता हूं। सी सुप्रिया, आई अंडरस्टैंड, तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हो और उस अकेलेपन को हटाने के लिए तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हो। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लो सुप्रिया, वहां ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बहुत अकेला महसूस फील करते हैं। वहां पे तुम्हें समझने के लिए कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। इस उम्र में ये सब ठीक नहीं लगता। और लोग क्या कहेंगे? फिर अमित और पायल, उनका क्या? वो भी तो इसी सोसाइटी में रहते हैं ना। गिव मी अ ब्रेक सुप्रिया, व्हाट सोसाइटी? तुम सोसाइटी को देखकर अपने अरमानों का गला घोट दोगी जस्ट बिकॉज यू आर कंसर्न अबाउट द सोसाइटी? नो, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ ऐसा ही होता है, हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। सासू मां अंदर से इतनी दुखी है ये मुझे आज पता चला। सच है, उनके पति को गुजरे हुए कई साल हो गए, वो अकेली है, उन्हें प्यार की जरूरत है और उनकी बहू होने के नाते मेरा फर्ज है उन्हें खुश रखना, और मैं उन्हें खुश करके रहूंगी। सी सुप्रिया, आई वुड सजेस्ट कि तुम डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी आई विल बी देयर, बाकी इट्स योर लाइफ, टेक अ डिसीजन, ठीक है? बाय। विप्लव। या? जब मैगजीन देखकर हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में देने आ जाऊंगी। ऑलराइट, बाय सुप्रिया। बाय। माँ। हाँ बेटा, क्या बोलो? बना रहे हो? मैं तुम्हारे लिए चाइनीज व्हील बना रही हूँ, तुम्हें पसंद है ना? बोलो कुछ चाहिए था बच्चे? वो माँ, मेरी 4 दिन बाद की छुट्टी ना ऑफिस से,
आज से ही सैंक्शन हो गई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वही तो मैं सोच रही थी कि जब से यहाँ पे आई हूँ ना, तब से आपके साथ ना समय बिताने का मौका ही नहीं मिला। हाँ वो तो है बेटा, लेकिन तुझे भी तो अपने काम रहते हैं ना, और फिर तू जब भी घर पर है तो मेरी कितनी मदद करती है, मुझे किचन में कुछ भी नहीं करने देती। माँ आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैंने कभी किसी बात का बुरा माना है तेरी? वो क्या है ना, आप इतने टाइम से अकेले हैं और मैं समझती हूँ। सुनो मेरी बात, ये सब छोड़ो। अरे तू ये सब क्या बातें लेकर, छोड़ ना बेटा, ये सब बातों में क्या रखा है? मुझे चाइनीज मिल बनाने दे मुझे। मैं सिर्फ आपकी बहू नहीं हूँ, आपकी दोस्त भी हूँ। हाँ मुझे पता है तू मेरे लिए सब कुछ है। पता है तो आप मुझसे अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हो माँ। अरे पर बेटा ऐसा कुछ है ही नहीं, क्या शेयर करूँ मैं तेरे साथ? तू भी ना कुछ भी बातें लेकर बैठ जाती है। कल रात को मैंने आपकी और विप्लव की बातें सुन ली थी। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ मैं समझती हूँ, छोड़ो ना इसको। सुनो मैं समझती हूँ, और मैं ना सिर्फ आपकी बहू नहीं हूँ, आपकी दोस्त हूँ। आप मुझे अपना हमदर्द मान सकते हो और अपना दर्द दुख सब बांट सकते हो मेरे साथ। हाँ बेटा मुझे पता है तू मेरे लिए सब कुछ है। मेरी प्यारी बच्ची। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें ऐसे बीच में रोक दिया, लेकिन सच कहूँ तो तुमने जो भी किया मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सालों के बाद जो खुशी तुमने मुझे दी है ना, तुम नहीं जानती कि तुमने क्या दिया है मुझे। ये तो मुझे हमेशा से ही पता था कि तुम मुझे प्यार करती हो, मेरी केयर करती हो, लेकिन तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से समझती हो। तुमने जो आज मेरे लिए किया है ना, इसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और आज बहू के साथ मुझे एक अच्छी दोस्त भी मिल गई, और इस दोस्त को मैं अब कभी नहीं खोना चाहती। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। मुझे लगता है कि विप्लव और अनिल कभी भी आ जाएंगे, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाना। सारा सामान ले लिया ना? हाँ हाँ सब ले लिया। कुछ छूटा तो नहीं? नहीं नहीं एक ही बैग है ना। हाँ फिकर मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, और ना फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अच्छा नॉर्मल हो जाते वो दोनों वहीं खड़े हैं। तुम चलो मैं आ रही हूँ। हाँ बिल्कुल। पायल। हाँ आई। संभाल के जाना बेटा, अपना हाँ। ख्याल रखना। हाँ ठीक है। सब रख लिया है ना? जी। ध्यान से जाना, आवाज स्पीडिंग नहीं। हाँ डोंट वरी जीजाजी, स्लो स्लो चलाऊंगा, जिम्मेदारी से ले जाऊंगा। आप ध्यान रखना अपना। हाँ मैं चल। जल्दी आना। हाँ एक मिनट मम्मी जी, चलती हूँ। हाँ अपना ख्याल रखना बेटा। चल ना, मैं इनको छोड़ के आता हूँ। ठीक है बेटा। ओके। क्या हुआ?
जो देखना था वही सीन कट गया। एंटरटेनमेंट का सारा मजा किरकिरा हो गया। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आप अपने फेवरेट शोज देख सकते हो, वो भी बिना कटे। यानी जो भी सीन आपको देखना है वो आपको वैसा ही दिखेगा जैसा आप चाहते हो। तो बस सब्सक्राइब कीजिए उल्लू ऐप और देखते रहो। जस्ट क्लिक एंड प्ले।